में इस जगह पर से आगमन हुआ और एक ऐतिहासिक धारा पर हम एक नया नई बात नई सोच जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता भारत स्वाभिमान के लिए अपना जीवन न्योछावर करने वाले राजीव दीक्षित जी के माध्यम से आपसे संवाद करने की कोशिश करेंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि अपना आत्म उत्थान करें और इस राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। ये था इस सिस्टम का। मैं अतिथि महोदय श्री राजीव दीक्षित जी, भाई दया सागर जी, हमारे पतंजलि योग समिति बेमेतरा के अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप आए और इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभ आरंभ करें। अतिथि महोदय राजीव दीक्षित जी, आपसे अनुरोध है कि आप माँ भारत माता के शैलचित्र पर माल्यार्पण करें। सुशीला तिवारी, नरेश तिवारी, आइए एक संकल्प लें। आप सभी कहें इदं राष्ट्राय इदं मम। मैं कहूंगा आप सभी से ओम राष्ट्राय स्वाहा। आप कहें इदं राष्ट्राय इदं मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा। अतिथि महोदय से निवेदन, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आइए हम अतिथि परंपरा का निर्वहन करें और उनका स्वागत करें। आदरणीय श्री दया सागर जी, आपसे अनुरोध है कि आप स्वागत की कड़ी को यहीं विधोदन से हम नगरवासियों को लाभान्वित करें। राजीव दीक्षित जी, आज की सभा में उपस्थित बेमेतरा के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, सम्माननीय माताओं बहनों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं, मुझे आपसे संवाद करने का समय मिल रहा है। मैं सबसे पहले हमारी भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति की जो बेमेतरा शाखा है, इकाई है, उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये व्यवस्था बनाई और मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला। मैं आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में कुछ बात कहने आया हूँ। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने
भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान शुरू किया है। सारे भारत देश में ये अभियान पिछले करीब पौने दो वर्षों से चल रहा है। 5 जनवरी 2009 को ये अभियान प्रारंभ हुआ और इसकी शुरुआत हुई हरिद्वार से। अब धीरे धीरे भारत के करीब 600 जिलों तक हमारा ये आंदोलन पहुंच गया। इस समय भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन में 2,50,000 योग शिक्षक सारे देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आने वाले दो वर्षों में 11,00,000 योग शिक्षक इस आंदोलन में और आने वाले हैं। अगले दो वर्षों बाद हमारे पास 13,50,000 योग शिक्षक हो जाएंगे और उसके बाद हम इस अभियान को भारत के गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। आपके मन में प्रश्न आएगा कि इस आंदोलन को गांव-गांव पहुंचाने का उद्देश्य क्या है। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत देश के हरेक नागरिक को, हरेक व्यक्ति को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाना। हमारे भारत के नागरिकों की जो बीमारियां हैं उन सभी को दूर करना, ये हमारा पहला उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है भारत देश की जो व्यवस्था में बुराइयां आ गई हैं उनको दूर करना, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई है, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद, नक्सलवाद, ऐसी बहुत सारी भारत में समस्याएं हैं, उनको भी हम हल करना चाहते हैं। एक तरफ भारत देश के नागरिकों को स्वस्थ बनाना है और दूसरी तरफ अपने देश की जो समस्याएं हैं इनका समाधान करना है। आपके मन में सवाल आएगा कि हर भारतवासी को स्वस्थ बनाने के लिए क्या करें। इसके लिए हम हर भारतवासी को योग, प्राणायाम और आयुर्वेद, इन तीनों के बारे में बताना चाहते हैं और इन तीनों की मदद से हर भारतवासी स्वस्थ हो सकता है। योग से, प्राणायाम से, आयुर्वेद से हम हर भारतवासी का इलाज कर सकते हैं। तो हम गांव-गांव जाकर लोगों को यही सिखा रहे हैं। सारे भारत देश में हर दिन हमारी 1,00,000 योग कक्षाएं लगती हैं और इन 1,00,000 योग कक्षाओं में 2,50,000 योग शिक्षक हर दिन लोगों को योग प्राणायाम सिखाते हैं और करोड़ों भारतवासी इस योग प्राणायाम को सीखते हैं और अपने जीवन में उससे बहुत सारा लाभ उनको मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों से लगातार परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी भारत के अनेक अनेक स्थानों पर शिविरों का आयोजन कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे भारतवासी अपनी अपनी बीमारियों से ठीक हो रहे हैं। एक आस्था चैनल भी शुरू किया है जो सुबह सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक परम पूजनीय स्वामी जी के माध्यम से सारे देश को योग प्राणायाम सिखाता है, आस्था चैनल। और इस पर बहुत सारे योग प्राणायाम के शिविरों का कार्यक्रम आता रहता है। आपसे भी मैं यही कहने आया हूँ कि आप भी अपने जीवन में योग, प्राणायाम और आयुर्वेद का उपयोग करें और आपकी हर बीमारी के लिए उसका समाधान उसमें मिलेगा। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि योग प्राणायाम से कौन कौन सी बीमारी ठीक होती है। हमारे शरीर की हर बीमारी इससे ठीक होती है और ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ जो किसी भी दवा से ठीक नहीं होती वो योग प्राणायाम से ठीक होती है। जैसे एक बहुत ख़राब बीमारी है, उसका नाम है डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ नाम की बीमारी, शुगर की बीमारी एलोपैथी चिकित्सा में, अंग्रेजी चिकित्सा में कभी भी ठीक नहीं होती, लेकिन योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी तरह से एक बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्त दबाव, ये बीमारी भी एलोपैथी चिकित्सा में ठीक नहीं होती, लेकिन योग, प्राणायाम और आयुर्वेद से ये भी ठीक होती है।
लो ब्लड प्रेशर एक और बीमारी है, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो योग प्राणायाम से बहुत जल्दी ठीक होती हैं, आयुर्वेद से और जल्दी ठीक होती हैं। तो आप सभी अपने जीवन में योग प्राणायाम और आयुर्वेद का अगर पालन करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक होंगी। आपके मन में ये सवाल आएगा कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा प्राणायाम करना है और कौन सी बीमारी के लिए आयुर्वेद की कौन सी दवा लेनी है, यही आज मैं आपको बताने आया हूँ। आप अपने जेब से अगर पेन निकाल लें, कागज निकाल लें, डायरी निकाल लें और लिख लें तो आपको बहुत लाभ होगा। मैं आपको कुछ बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिनका हम अपने योग प्राणायाम और आयुर्वेद से कैसे उपचार कर सकते हैं। हर गंभीर बीमारी उसका इलाज हम अपने घर में ही कर सकते हैं। हमारे भारत में करीब 100 करोड़ लोग बीमार हैं इस समय। 120 करोड़ की हमारी आबादी है और 100 करोड़ भारतवासी बीमार हैं। 5 करोड़ 70 लाख भारतवासियों को डायबिटीज का रोग है, 4 करोड़ 80 लाख भारतवासियों को हृदय रोग है, करीब 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है, 12 करोड़ भारतवासियों को आँखों के भिन्न भिन्न रोग हैं, 14 करोड़ भारतवासियों को दमा अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, 17 करोड़ भारतवासियों को घुटनों का दर्द, कमर का दर्द है, 20 करोड़ भारतवासियों को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है और 40 करोड़ माताएं हमारे देश में हैं जिनको खून की कमी का रोग है, एनीमिया। अपने देश में बीमार लोग बहुत हैं। और दूसरी समस्या ये है कि बीमारियों का इलाज करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और भारत में जो गरीब लोग हैं वो पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो इस बीमारियों में बहुत सारे लोग बिना इलाज के ही मर जाते हैं। आजकल भारत में बीमारियों का इलाज बहुत महंगा है और महंगे इलाज के चक्कर में ज़्यादा लोग अपना इलाज नहीं कर पाते। तो हमने ये सोचा है कि हर भारतवासी को कुछ ऐसा इलाज बताया जाए जो बिना पैसे के आसानी से हो सके। तो मैं आज आपको बहुत सारी बीमारियों के ऐसे ही इलाज बताऊंगा जिसमें पैसा भी खर्च नहीं हो और बीमारी भी ठीक हो। मैं शुरू करता हूँ डायबिटीज से। डायबिटीज सबसे खराब रोग है जो इस समय भारत में फैल रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा 5 करोड़ 70 लाख लोगों को ये रोग हो चुका है और 3 करोड़ को होने वाला है। और ये रोग में हमारे अंग्रेजी एलोपैथी में एक ही दवा है जिसका नाम है इंसुलिन। और ये इंसुलिन इंजेक्शन के माध्यम से कोई लेता है, कोई गोली के माध्यम से, लेकिन ये इंसुलिन है ना, ये बहुत खराब है। ये क्या करती है, लगातार अगर कोई व्यक्ति इंसुलिन लेता रहे तो दोनों उसके गुर्दे खराब हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार इंसुलिन ले तो उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। लगातार इंसुलिन कोई लेगा तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, अंधापन आ जाता है, नपुंसकता आ जाती है, इम्पोटेंसी। तो इंसुलिन ये अच्छी नहीं है, आप इसे मत लेना कभी। अगर आपको कभी डायबिटीज हो, शुगर की बीमारी हो तो इंसुलिन मत लेना। और अगर आपके परिचय में कोई व्यक्ति है उसको भी मत लेना, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को इंसुलिन देने की आदत आपने डाल दी बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो जाएगी। इंसुलिन शरीर को अंदर से पूरा खोखला कर देती है। तब फिर आप बोलोगे फिर क्या करें, तो डायबिटीज़ का अपना भारत में जो आयुर्वेद में इलाज है और प्राणायाम से जो चिकित्सा है उसका उपयोग करें। प्राणायाम में क्या करें, जिनको डायबिटीज़ है
शुगर की बीमारी है उनको तीन प्राणायाम कराएं। पहला प्राणायाम है, उसका नाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या होता है, आराम से ऐसे बैठना सुखासन में आलती पालती मार के, और आपकी पहली उंगली अंगूठे के साथ ऐसे स्पर्श कर, इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं। और ऐसे बैठकर गहरी सांस लेना और गहरी सांस छोड़ना, लंबी सांस लेना और लंबी सांस छोड़ना, इसी को कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। और ये 5 मिनट करना। मैं एक बार करके बताता हूँ, आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस ऐसे करते रहे 5 मिनट के लिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम हर उस व्यक्ति को करना है जिसको शुगर की और डायबिटीज की बीमारी है। दूसरा प्राणायाम करना है, उसको कहते हैं कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है, हमारी सांस को झटके से बाहर निकालना ताकत के साथ, और जब सांस बाहर निकलेगी तो पेट अंदर जाएगा। सांस बाहर निकालने पे ही ध्यान देना है, लेने के लिए चिंता नहीं करने, वो शरीर अपने आप ले लेगा, बस निकालने पे ध्यान देना है। कैसे होता है एक बार करके दिखाता हूँ, आप सब कर पाएंगे इसको। ये है कपालभाति, इसको लगातार आधा घंटे तक करना है। 5 मिनट करना है भस्त्रिका, आधा घंटे कपालभाति। और तीसरा और आखिरी प्राणायाम जो करना है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या होता है, आपकी जो दाहिनी नाक है इसको बंद कर देंगे और बाईं नाक से पूरी सांस को निकाल देंगे, फिर बाईं नाक से सांस भरेंगे, दाहिनी नाक से उसे निकालेंगे, फिर दाहिने नाक से सांस भरेंगे, बाईं नाक से निकालेंगे, फिर बाईं से भरेंगे, दाहिने से निकालेंगे। बस यही करना, एक बार मैं करके बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम लगातार आधा घंटे कर सकते हैं। तो 5 मिनट करना भस्त्रिका, आधा घंटे करना कपालभाति, आधा घंटे करना अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम हम करेंगे नियमित हर दिन। तो इससे डायबिटीज की बीमारी, शुगर की बीमारी बहुत जल्दी ठीक होगी। कोई भी लगातार 1 से 1.5 महीने ये कर लेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इसके साथ में आप चाहें तो एक आयुर्वेद की दवा भी खा सकते हैं डायबिटीज के, और वो दवा आप अपने घर में ही बना लो। घर में हमारे आयुर्वेद की बहुत सारी दवाएं हैं, उनको मिलाकर ये दवा बन जाएगी। कैसे बनेगी, इसका आप सूत्र लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। 100 ग्राम लेना मेथी का दाना, मेथी दाना सबके घर में है, वो 100 ग्राम लेना, उसको धूप में सुखाकर पत्थर में पीस लेना। मेथी दाने को धूप में सुखाएं 2-3 दिन, फिर उसको पत्थर में पीस लें। तो ये एक दवा है। फिर इसमें एक दूसरी दवा मिलानी है, तेज पत्ता, 100 ग्राम तेज पत्ता। हमारे घर में है तेज पत्ता, हम इसको मसाले में डालते हैं, तो 100 ग्राम तेज पत्ता, इसको भी धूप में सुखाकर पत्थर में पीस लें। फिर तीसरी दवा है जामुन की गुठली,
जामुन का बीज, जामुन का जो फल होता है उसको खाने के बाद अंदर का जो बीज निकलता है उसको धूप में सुखा लें और धूप में सुखा के उसको पत्थर में पीस के पाउडर बनाना और इसकी मात्रा होगी 150 ग्राम, 150 ग्राम। 100 ग्राम मेथी का दाना, 100 ग्राम तेज पत्ता, 150 ग्राम जामुन का बीज। और चौथी एक दवा है वो है बेल पत्र। शंकर भगवान को जो अर्पित करते हैं बेल पत्र का पत्ता वो लेना 250 ग्राम, 250 ग्राम, और उसको धूप में सुखाकर उसको भी पत्थर में पीस के पाउडर बनाना। तो 250 ग्राम बेल पत्र पाउडर, 150 ग्राम जामुन के बीज का पाउडर, 100 ग्राम मेथी दाने का पाउडर और 100 ग्राम तेज पत्ता पाउडर, ये चारों को पीस कर आपस में मिला देना। अब यही दवा है डायबिटीज की। इसको खाएंगे कैसे? एक चम्मच ये दवा सवेरे गर्म पानी के साथ लेना नाश्ता करने से 1 घंटे पहले, और 1 चम्मच दवा शाम को लेना खाना खाने से 1 घंटे पहले। दिन में 2 बार ये दवा लेनी है, सुबह शाम, नाश्ते से 1 घंटे पहले सुबह और शाम को खाने से 1 घंटे पहले, और हर बार गर्म पानी से लेना। ये दवा अगर आप 1.5-2 महीने खाएंगे उतने में ही आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छी दवा है, हजारों लाखों लोगों को इस दवा ने अच्छे से ठीक कर दिया। तो प्राणायाम करना है, 3 प्राणायाम, पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधे घंटे, अनुलोम विलोम आधे घंटे, और इसके साथ में ये वाली दवा। इससे शुगर बिल्कुल ठीक हो जाती है, 1.5-2 महीने में ही ठीक हो जाए। और जब आपकी शुगर ठीक हो जाए एक बार जांच करा देना, ब्लड टेस्ट करा लेना, तो डॉक्टर अगर ऐसा बोलता है कि शुगर ठीक हो गई तो ये दवा तो बंद कर देना, फिर दवा ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्राणायाम को चालू रखना, प्राणायाम बंद नहीं करना। तो इसका फायदा क्या होगा? अगर आपने प्राणायाम हमेशा करते रहे आप तो दूसरी बार कभी भी आपको डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी। इसका फायदा है, दवा बीमारी को ठीक कर देगी लेकिन प्राणायाम से गारंटी इस बात की है कि दोबारा कभी भी ये बीमारी नहीं होगी। और इसमें खर्चा क्या आएगा? प्राणायाम करने में तो कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, और ये जो दवा मैंने बताई है ये 25 रुपए में बच जाएगी। अगर आप 100 ग्राम मेथी दाना खरीदेंगे 6-7 रुपए में आएगा, 100 ग्राम तेज पत्ता खरीदेंगे 10-12 रुपए का आएगा, 100 ग्राम अगर जामुन के बीज को भी खरीदेंगे 3-4 रुपए में मिल जाता है, और 250 ग्राम बेल पत्र का पत्ता ये तो बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। तो इस दवा को बनाने में 25 रुपए खर्च होता है बस, और उतने खर्चे में जितनी दवा बनेगी वो 3 महीने चलेगी, और 3 महीने की दवा में आप बिल्कुल ठीक।